हेलो एवरीवन, झारखंड के पारा शिक्षकों के लिए खुशखबरी। हेमंत सोरेन की सरकार ने तैयार किया अस्थायीकरण व वेतनमान सेवा नियमावली का प्रस्ताव। आगे बढ़ने से पहले अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। झारखंड के पारा शिक्षकों के आंदोलन और उनकी धमकी के असर दिखने लगा है। सरकार की ओर उनके लिए खुशखबरी है। हेमंत सोरेन की सरकार ने पारा शिक्षकों के अस्थायीकरण व वेतनमान सेवा संबंधी नियमावली का प्रस्ताव तैयार कर लिया है। हालांकि अभी तक इस पर अंतिम निर्णय नहीं लिया गया है। इसकी फाइल फिलहाल विधि विभाग पास है। विधि विभाग सरकार को इस प्रस्ताव पर अपनी राय देगा। इसके बाद प्रस्ताव को राज्य सरकार के पास भेजा जाएगा। फिर इसे कैबिनेट की बैठक में रखा जाएगा। प्रस्ताव को कैबिनेट की मंजूरी मिलने के बाद ही इसे लागू किया जा सकेगा और इसका लाभ पारा शिक्षकों को मिल सकेगा। पारा शिक्षकों ने अभी हाल ही में राज्य की हेमंत सोरेन सरकार को अल्टीमेटा दिया था कि उनकी सेवा शर्त नियमावली का प्रस्ताव जल्द से जल्द तैयार करके उसे पारित करवाएं। ऐसा नहीं करने पर पारा शिक्षक जोरदार आंदोलन करेंगे। पारा शिक्षक अस्थायीकरण और समान काम के लिए समान वेतन की मांग करते हुए लंबे समय से आंदोलन कर रहे हैं। झारखंड में कोरोना मरीजों की संख्या 25,000 पार। अब तक ठीक हुए 15,709 लोग। झारखंड में कोरोना मामलों की संख्या लगातार बढ़ रही है। शुक्रवार को मंगलवार को 12,663 नए मरीज मिले हैं, जिसके बाद कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़कर अब 25,333 हो गई है। वहीं 340 लोगों के ठीक होने की सूचना मिली है। झारखंड में अब तक राज्य में 15,709 लोग कोरोना संक्रमण से मुक्त हो चुके हैं और 269 लोगों की मौत हो गई है। फेसबुक पर हेट स्पीच को लेकर पाबंदी। इस साल के 6 महीनों में फेसबुक ने 3.21 करोड़ भड़काऊ पोस्ट लगाए हैं। 2019 में साल भर में ऐसे 2.12 करोड़ पोस्ट ही डिलीट किए थे। दुनिया की सबसे बड़ी सोशल मीडिया कंपनी अभी तक तो डेटा लीक को लेकर विवादों में आती थी, लेकिन अब इसका नाम राजनीतिक विवाद में भी आ गया। इसकी शुरुआत हुई एक अमेरिकी अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल में छपी रिपोर्ट से। इस रिपोर्ट में दावा किया गया कि फेसबुक ने चुनाव में भाजपा और आरएसएस की मदद की है। दावा भी है कि फेसबुक ने जानबूझकर भाजपा नेताओं की हेट स्पीच वाली पोस्ट को नज़रअंदाज किया। इस रिपोर्ट में वॉल स्ट्रीट जर्नल ने तेलंगाना के एक भाजपा विधायक टी राजा के पोस्ट को हवाला भी दिया। लिखा कि भारत में फेसबुक की पॉलिसी डायरेक्टर अंकित दास जी टी राज की भड़काऊ पोस्ट को हटाने का विरोध किया था। विरोध भी इसलिए ताकि भाजपा से रिश्ते खराब ना हो। प्रणब मुखर्जी की तबीयत में सुधार। बेटे अभिजीत ने कहा, लोगों की दुआओं और डॉक्टरों की कोशिशों से मेरे पिता की हालत अब स्थिर। प्रणब मुखर्जी को 10 अगस्त को दिल्ली में आर्मी रिसर्च एंड रेफरल हॉस्पिटल में गंभीर हालत में भर्ती किया गया था। ब्रेन के क्लॉट को हटाने के लिए सर्जरी की गई थी। अब वे वेंटिलेटर
स्पोर्ट पर है। आर्मी हॉस्पिटल ने सोमवार को जारी बुलेटिन में भी उनकी हालात स्थिर बताई गई थी। प्रणब मुखर्जी ने 10 अगस्त को खुद ट्वीट कर बताया था कि वे अस्पताल में चेक अप के लिए गए थे, कोरोना की जांच भी हुई, रिपोर्ट पॉजिटिव आई। उन्होंने अपने संपर्क में आए सभी लोगों से टेस्ट कराने और खुद को आइसोलेट करने की सलाह दी थी। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार 2020। राष्ट्रीय खेल पुरस्कार चयन समिति ने भारत के सर्वोच्च खेल सम्मान राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार 2020 के लिए 4 खिलाड़ियों के नाम की सिफारिश की है। भारतीय क्रिकेटर रोहित शर्मा, पहलवान विनेश फोगट, टेबल टेनिस खिलाड़ी मनिका बत्रा, पैरालंपिक एम थंगावेलु। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन समेत राज्य सरकार के 10 मंत्री हुए होम क्वारंटाइन। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन समेत राज्य के 10 मंत्री मंगलवार की रात से होम क्वारंटाइन हो गए। ये सभी 18 अगस्त को हुई कैबिनेट की बैठक में शामिल हुए थे। स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता कैबिनेट की बैठक में शामिल हुए थे, जिनकी बैठक के बाद जांच रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आई थी। इसी के बाद कैबिनेट की बैठक में शामिल नहीं होने वाले पेयजल स्वास्थ्य मंत्री मिथिलेश ठाकुर छोड़ अन्य सभी मंत्री को सीएम ने होम क्वारंटाइन में जाने का सुझाव दिया। मुख्यमंत्री ने अगले दो तीनों के अपने प्रस्तावित कार्यक्रमों को रद्द कर दिया है। वह बुधवार को जहां आशा का पलासा ब्रांड का शुभारंभ करने वाले थे, वहीं गुरुवार को दुमका मेडिकल कॉलेज कोरोना लैब के भ्रमण का कार्यक्रम को भी स्थगित कर दिया। आईसीएमआर के गाइडलाइन के अनुसार 4-5 दिनों बाद मुख्यमंत्री समेत अन्य मंत्रियों की कोरोना जांच की जाएगी, फिर उस रिपोर्ट के अनुरूप वे आगे का निर्णय लेंगे। मंत्री रमेश्वर उरांव, आलमगिरी आलम, बादल सत्यनंद भोगता, हाजी हुसैन अंसारी, चंपाई सोरेन ने रांची स्थित अपने आवास पर तो जगन्नाथ महतो अपने गृह जिला स्थित आवास पर होम क्वारंटाइन में है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अब तीसरी बार कोरोना जांच होगी। मुख्यमंत्री कोरोना पॉजिटिव पाए गए मंत्री मिथिलेश ठाकुर व झामुमो विधायक मथुरा महतो के संपर्क में आने के बाद पहली बार कोरोना टेस्ट कराया था। दूसरी बार मुख्यमंत्री आवास के एक ड्राइवर समेत कई अन्य कर्मी व भारी संख्या में कोरोना पॉजिटिव पाए गए सुरक्षा कर्मियों के कारण पिछले दिनों अपना कोरोना टेस्ट कराया था। हालांकि इन दोनों टेस्ट में उनकी रिपोर्ट निगेटिव आई। अब मंत्री बन्ना गुप्ता के संपर्क में आने से के बाद तीसरी बार टेस्ट कराएंगे। दिन दहाड़े भाजपा नेता की गोली मारकर हत्या, 2 बाइक पर सवार थे 4 अपराधी। बैकमोड़ थाना क्षेत्र में बुधवार को दिन दहाड़े भाजपा नेता सतीश सिंह को की अपराधियों ने गोली मारकर हत्या कर दी। घटना मटकुरिया विकास नगर छठ तालाब के पास की गई। सतीश सिंह को स्थानीय लोगों व पुलिस की मदद से फौरन PMCH ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत्यु घोषित कर दिया। घटना को 2 बाइक सवार 4 अपराधियों ने अंजाम दिया। सतीश सिंह के द्वा भाजपा मंडल के उपाध्यक्ष थे। वे कोयले की आउटसोर्सिंग का काम भी देखा करते थे। हत्या की वजह फिलहाल स्पष्ट नहीं है।
कश्मीर पर सरकार का बड़ा फैसला। अनुच्छेद 370 हटाने के वक्त एक साल पहले कश्मीर में भेजे गए अर्धसैनिक बलों के 10,000 जवान तुरंत लौटेंगे। इसी हफ्ते जम्मू कश्मीर से वापस होंगे जवान। केंद्र के निर्देश के मुताबिक सीआरपीएफ की 40 कंपनियां, सीआईएसएफ की 20 कंपनियां, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स और सशस्त्र सीमा बल को इसी हफ्ते जम्मू कश्मीर से बाहर भेजा जाएगा। सीआईएएफ की एक कंपनी में 100 जवान रहते हैं। इससे पहले गृह मंत्रालय ने मई 2020 में सीएपीएफ की 10 कंपनियां जम्मू कश्मीर से हटाई थी। केंद्र में मौजूदा आदेश के बाद भी जम्मू कश्मीर में सीआरपीएफ की 60 बटालियन रहेगी। एक बटालियन में 1,000 जवान रहते हैं। सीएपीएफ की भी कुछ और यूनिट्स घाटी में अभी मौजूद रहेगी। रिलायंस का बड़ा दांव। मुकेश अंबानी ने ऑनलाइन दवा बेचने वाली कंपनी नेटमेड्स को खरीदा। 620 करोड़ रुपये में हुई डील। अमेजन और फ्लिपकार्ट को मिलेगी बड़ी टक्कर। मुकेश अंबानी ने अपने रिटेल कारोबार के लिए एक बड़ी डील की है। रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड ने जानकारी दी है कि उसकी सहायता रिलायंस रिटेल वेंचर्स लिमिटेड ने डिजिटल फार्मा मार्केट प्लेस नेटमेड्स के मेजॉरिटी शेयर का अधिग्रहण कर लिया है। नेटमेड्स कंपनी के बारे में जानिए। नेटमेड्स एक ई फार्मा पोर्टल है जिसके द्वारा प्रिस्क्रिप्शन आधारित और ओवर द काउंटर दवाएं और अन्य हेल्थ उत्पादों की बिक्री की जाती है। इसकी सेवाएं देश के करीब 20,000 स्थानों में उपलब्ध हैं। इसके अलावा कंपनी दवाओं की डोर स्टेप डिलीवरी भी करती है। इसकी प्रमोटर चेन्नई आधारित कंपनी दाधा फार्मा है। यह 2015 से काम कर रही है।